हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रो मेकअप लैब्स। और मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज के हमारे वीडियो का जो स्टार है वो है ये एलोवेरा जेल। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि एलोवेरा जेल के कितने सारे बेनिफिट हैं। जैसा कि हम अपने दादी नानी से सुनते भी आ रहे हैं कि एलोवेरा जेल बहुत ही नेचुरल होता है और इसमें कुछ भी केमिकल नहीं होता है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने तरीकों से आप एक एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा एलोवेरा जेल को परचेज या फिर यूज़ करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि फर्स्ट, हम कभी भी डायरेक्ट प्लांट से लेकर एलोवेरा को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो एलोवेरा का प्लांट कैसा है, लाइक वाइल्ड है या फिर नॉर्मल है। सेकेंड, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें कुछ बातों का वहाँ पे भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब भी हम एलोवेरा जेल परचेज करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए जो एलोवेरा जेल है वो ट्रांसपेरेंट हो। अगर आपको कहीं पे ग्रीन एलोवेरा जेल मिलता है तो आप उसे परचेज ना करें। सो फर्स्ट, एलोवेरा जेल को हम एज अ क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेचुरली ही क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। तो सेकंड, हम एलोवेरा जेल को एज अ हेयर पैक और फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी है तो आप अपने बालों की लेंथ पे एलोवेरा जेल को अप्लाई करें, देन उसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें, देन उसके बाद उसे आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। आपकी फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। सेकेंड, आप फेस पैक के लिए अपनी पसंद का कोई भी फेस पैक ले सकते हैं, उसमें एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल डार्क प्रॉब्लम को भी कट करता है। अगर आपके बॉडी या फेस पे कहीं पे भी डार्क प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे एलोवेरा जेल को अप्लाई करें और उसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें, देन उसके बाद आप उसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर सकते हो। और ये प्रोसेस को आप रोज़ फॉलो करें जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइस, एलोवेरा जेल को हम एज अ फेस मसाज क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे फेस पे रिंकल और एजिंग की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है। एलोवेरा जेल को आप एज अ फेस क्रीम और एज अ बॉडी लोशन भी अप्लाई कर सकते हो। यह आपकी फेस एंड बॉडी की ड्राइनेस को कट करेगा और एज अ मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। ये आपको हेल्दी और शाइनिंग स्किन प्रोवाइड करेगा। गाइस, एलोवेरा जेल को आप एज अ हेयर हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप अपने बालों में स्टाइलिंग करते हो, लाइक आइनिंग कर्ल्स, तो आप उससे पहले एलोवेरा जेल की एक लेयर अपने हेयर पे लगा लो, देन उसके बाद आप 5 to 10 सेकंड का वेट करो और देन अपने बालों को स्टाइल करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे। गाइस, एलोवेरा जेल हमें हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, बट ये हाइड्रेशन हमें स्किन की ऊपरी लेयर पे प्रोवाइड करता है। अगर हमें इस हाइड्रेशन को मेंटेन करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें बताना है कि आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी। और तब तक खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। बाय बाय।